हाय गाइस, मैं कोल्ड फ्लेवर लेने जा रही हूँ और ये मेरी नज़र पड़ी चॉकलेट्स पे और मैंने ये चॉकलेट्स उठा लिए हैं, मेरे फेवरेट चॉकलेट्स हैं। अब मुझे कोल्ड भी चाहिए और मैंने अब भैया जी को कहा है मुझे कोल्ड दे दीजिए और उन्होंने मुझे ये कोल्ड दे दिया है। और ये कोल्ड मुझे पड़ा 4 दिरहम का, जो इंडिया का होगा 80 रुपीज़ और पाकिस्तान का होगा 160। और अब मैं पार्किंग लॉट के पास पहुँच गई हूँ और अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ आगे। और एनी विच वेज, वेलकम टू माई चैनल विच इज HR व्लॉग्स। आप मुझे सब्सक्राइब करें, घर पे बैठकर सारी चीजें आप देख सकते हो, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, कहीं पर भी हो। ये मेरा न्यू चैनल है जो मैंने दुबई से बनाया है। आप मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो दोस्तों में, फ्रेंड्स में, सब में बांटें। अब टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए मैं घर पहुंच गई हूँ और मैं चलते हैं इंस्टेंट शीशा बनाने की तैयारी। ये बेस है जिसमें हम पानी भरेंगे और ये अपर बेस है उसका जिसे हम फिट करेंगे आफ्टर फिलिंग वाटर, और ये पाइप है। ठीक है, तो लेट मी फिल द वाटर फर्स्ट। मैंने इसमें पानी फिल कर दिया है। मीनवाइल हम देखते हैं इसके फ्लेवर्स। ये चिलम है, ये फ्लेवर्स है। आज हम ब्लूबेरी करेंगे ट्राई। और ये चिलम है, इसके अंदर थोड़े पार्टिकल्स होते हैं, उसे थोड़ा क्रश करने की जरूरत होती है, नहीं तो वो इसमें आ जाता है। ये इसका पाइप है, ये इतने लेवल तक ही आपको करना होगा, पानी फिल करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ज्यादा आप फिल करोगे तो ये ब्लो करने से पूरा पानी ऊपर फ्लेवर तक आ जाएगा, जिससे कि पूरा शीशा खराब हो सकता है। तो जस्ट रेशियो के हिसाब से आप मेजर करके पानी डाल सकते हैं। ओके, इसके ऊपर एक प्लेट आएगी जो आपकी, आप कोल को जब आप रखते हो, यूज करते हो, तो कोल पे जो ये आ जाता है, ऐश आ जाता है, उसे क्लीन करने के लिए। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको बताया चिलम है, इसके अंदर ये फ्लेवर्स जो आपने क्रश किए हुए हैं इसे ऐड करना होता है। बट मेक श्योर इसमें जो होल्स हैं वो प्रॉपरली क्लीन हो और विजिबल हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये ब्लूबेरी फ्लेवर है, थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है। मीनवाइल अगर आपको कोई दूसरा फ्लेवर जो माइल्ड है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, बट आई प्रेफर टू दिस। और थोड़ा बहुत आप मिक्सचर भी कर सकते हैं। ये देखिए, आपने मैंने प्रॉपरली इसे फिल कर दिया है। ठीक है, मीनवाइल जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इंस्टेंट शीशा मेकिंग, तो आप लाइक भी कर दीजिए जरूर। ये फॉइल पेपर है जो अल्फ्रिज का है, इसे आप यूज कर सकते, बट इसे पिन करना पड़ेगा, पहले आपको इसे फिक्स करने की जरूरत है। मैं जस्ट हाथ वॉश करने के लिए गई थी, क्योंकि ये फॉइल पेपर पे अगर वो लग जाए तो प्रॉपरली पिन अप नहीं होता है। देखिए, इसे हमें प्रॉपरली इसे फिक्स करना होता है कि जिससे कि एयर पास ना हो और प्रॉपरली धुआं आ सके। और होल भी इसमें जो है आपको बहुत टाइनी करने होते हैं कि एशेस अंदर नहीं जाए और ना ही आपके मुंह में। ये आप देख रहे हो, इतने नज़दीक में आप कर सकते हो कि जिससे मेक श्योर हो कि एशेस आपके मुंह में ना जाए। बड़े करने से फ्लेवर्स भी आ जाते हैं कभी कभी फ्लो में। You have to be little careful. So guys, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लेवर्स मिक्सिंग हो जाती है, आप दो तीन फ्लेवर्स को भी मिक्स करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी। ये कोल है जो इंस्टेंट अगर शीशा मारना है तो बहुत यूजफुल है, आप इसे यूज कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो मुझे पड़ा है इसका प्राइसिंग, दैट इज 4 दिरहम। आपको बताया था कि पाइप की क्लीनिंग जरूरी है, उसके अलावा अगर आप दोस्तों में बैठे हो तो आपको फिल्टर लेना बहुत जरूरी है। फिल्टर इजीली कोई भी शॉप्स में अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप अपने मुल्क में हो तो वहाँ की प्राइस रेंज में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आता, बट वायरस जो चल रहा है जिसके वजह से फॉर अ सेफ्टी अगर आप यूज़ करते हो तो बेहतर होगा। चलो अब हम आते हैं कोल पर। ये कोल जो है, दिस इज इंस्टेंट कोल बोल सकते हो आप, जल्दी जल जाता, मैजिक कोल है। और दूसरा जो कोल होता है वो नॉर्मल कोल होता है, उसे जलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लाइक 10 to 15 मिनट। अगर आप दोस्तों के साथ पार्टी के मूड में हो तो 10 to 15 मिनट्स वेस्ट करना डज नॉट मेक अ सेंस। सो ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हो, लेट्स बर्न दिस कोल एंड आई शो यू कि कैसे बनता है और कैसे इसका फायदा आता है। और आपको ये जो टोन है, अगर
आपने नया शीशा लिया तो आपको इसके साथ फ्री आ जाता है, अदरवाइज ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है, 5-6 dirhams में आ जाता है, अवेलेबल है हर जगह पर, तो यू कैन जस्ट बाय। ज्यादा टाइम नहीं खराब करते, फटाक से हम टोन को निकालते हैं और ये आ गया मैजिक कोल, इसे हम बर्न करेंगे और इस पे रखेंगे। गाइस यू मैंने इस पे कोल रख दिया है, यूजुअली एक कोल भी चल जाता है, बट अगर बड़ा आपका हुक्का हो तो उस हिसाब से आपको दो कोल रखते हैं, इससे स्मोक ज्यादा आता है, ठीक है। बट अगर स्मोक नहीं आ रहा है उस पर तो आप थोड़े से पिन आउट और कर दीजिए, जिससे कि प्रॉपरली वो ये हो जाए। आपने देखा कि इंस्टेंट हुक्का बनाना बहुत आसान है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके जो भी फ्रेंड शीशा मारते हैं उन्हें भी दिखाएं ये और देखें, और एक बार ट्राई करें और मुझे बताएं कि आज कैसा बना है। और मैं नेक्स्ट वीक में वापस एक कुछ नए वीडियोस और यूनिक आइडियाज के साथ आऊंगी, तब तक के लिए बाय।